नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको हकीमी का एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कभी फेल नहीं होता और ना ही कभी वो फेल होगा। दुनिया आती रहेगी, जाती रहेगी, वैद्य हकीम नए नए आएंगे जाएंगे, ये आना जाना तो लगा ही रहेगा इंसान का। मगर ये फार्मूला जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमेशा इसकी पावर इतनी ही रहेगी। हजारों लाखों अरबों सालों तक ये नुस्खा आयुर्वेद का बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल होता रहेगा। तो दोस्तों, पहले तो मेरी इच्छा नहीं थी इस नुस्खे को बताने की, मगर फिर भी आज के टाइम पे लोगों की कंडीशन देखते हुए, लोगों की परेशानियां देखते हुए मैं ये नुस्खा पेश कर रहा हूँ। ये मेरे उन वैद्य हकीम भाइयों की सेवा में नुस्खा पेश मैं कर रहा हूँ जो नामर्दी के अलग अलग फार्मूलों पे, नए नए नुस्खों पे रिसर्च करते हैं, मगर उनका कोई नुस्खा सक्सेस नहीं होता। तो ये नुस्खा मैं उन वैद्य भाइयों के लिए पेश कर रहा हूँ। ये किसी आम बंदे के लिए नुस्खा नहीं है, कोई भी आम बंदा इस नुस्खे को बिल्कुल बनाने की या इस्तेमाल करने की सोचे भी ना। अगर आपको परेशानी है तो आप अपने किसी अच्छे वैद्य मित्र से, वैद्य भाई से मिलें, उन्हें मेरी ये वीडियो दिखाएं, वो आपको ये नुस्खा बना के देंगे, आप इस्तेमाल करना। और उस ऊपर वाले की नज़र सीधी रही तो बिल्कुल 101% नहीं, 1001% ये फार्मूला सक्सेस है और अचूक है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 30 से 40 खुराकें इस्तेमाल करनी है, इससे ऊपर आपको कोई खुराक नहीं लेनी और ना ही इससे ऊपर आपको दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आते हैं नुस्खे की तरफ, मगर उससे पहले जिन मेरे भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को लाइक करें। तो दोस्तों, नुस्खा आपकी सेवा में पेश है। सबसे पहले दोस्तों, आपको लेना है तांबा, तांबे का सिक्का। दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का तांबे का सिक्का होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सिक्का मंगवाया था तो उसमें लोहा मिक्स था, वो तांबा सही नहीं था, तांबे का सिक्का ही था, तो वो सही नहीं था क्योंकि वो हाल फिलहाल का ही बना हुआ था, मतलब वो ओरिजिनल तांबा नहीं था। क्योंकि कई तांबे के सिक्के उन पे वो मोहर लगा के बेचते हैं, पुराना सिक्का देख के लोग खरीदते हैं, तो उसी तरीके से उसे तांबा लोहा उरे परे या धातु मिक्स करके वो सिक्का बनाया गया था। तो ऐसा सिक्का ना लें दोस्तों, शुद्ध तांबे का अच्छा सिक्का हो, प्योर तांबे का। तो अब दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको लेना है आक का दूध। दोस्तों, मैं ये फार्मूला बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक इसकी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। कृपया करके मुझे ये मैसेज ना करें कि डॉक्टर साहब ये फार्मूला कैसे बनेगा या आपने तांबा बताया, तांबा कहाँ से लें। दोस्तों, वो आपको खुद इंतजाम उसका करना है। और कई भाई आग के दूध के लिए फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब ये तो निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों, मेहनत तो लगेगी, अगर आप अच्छी चीज़ बनाते हो तो उसमें आपको मेहनत लगेगी। और बाकी मेरे वैद्य हकीम भाई ही इस फार्मूले को बनाएं। तो दोस्तों, आग का दूध आपको ले लेना है, तांबे के सिक्के को आपको गर्म करना है। आप कोयले की आग पे, गैस पे, चूल्हे पे, तंदूर पे, जैसे भी आप अपनी सुविधा अनुसार उसे गर्म कर सकते हो। तो जब दोस्तों वो बिल्कुल लाल हो जाएगा, उस टाइम उसे आपको आँख के दूध में डुबा देना है। उसे आपने आँख के दूध में डुबा दिया, थोड़ी देर बाद वो 20-30 सेकंड में वो ठंडा हो जाएगा या एक मिनट में ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप उसे निकालें, दोबारा से गर्म करें।
इसी तरीके से दोस्तों आपको 101 बुझावे देने हैं, 101 बुझावे। दोस्तों इस पॉइंट को नोट कर लें, आंख के दूध में आपको 101 बुझावे देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है नींबू का रस, जो नींबू होता है कागजी नींबू भी आप ले सकते हो, और जो आम खास नींबू बड़े वाले होते हैं वो भी आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से 101 बुझावे नींबू के रस में देने हैं, तो दोस्तों वो आपका उच्च क्वालिटी का शोधन हो जाएगा, बहुत उच्च क्वालिटी का, इससे अच्छा शोधन और तांबे का नहीं है। ये आपका तांबा हो गया शुद्ध। उसके बाद आपको उस सिक्के को रेती के ऊपर रगड़ के उसका बुरादा बनाना है, या आप किसी भी तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े आप कर लेंगे उसमें आपकी मेहनत कम लगेगी, अगर आप बुरादा बनाते हो तो उसमें आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है कली, जिसे बंग बोलते हैं। तो कली को आप पिघलाएं, सरसों के तेल में बुझावे दें, 215-20 बुझावे आप सरसों के तेल में दे लें, और उसके बाद इसी तरीके से 15-20 बुझावे नींबू के रस में दे लें, आपकी कली भी शुद्ध हो गई। इसे और शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें, बुरादा बना लें जैसे आपकी इच्छा, उसे भी आप तांबे के साथ रख दें। उसके बाद आपको तीसरी चीज़ लेनी है पारा। पारा शुद्ध करने का तरीका दोस्तों पहले भी मैंने बताया है, मगर अब फिर मैं बता देता हूँ, आपको परेशानी ना हो। एक आपको ले लेनी है खरल मजबूत वाली, उसमें आपको डालना है पारा 50 ग्राम या 100 ग्राम जैसी आपकी इच्छा, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जितने आप मरीजों के लिए फार्मूला बनाते हैं उसी हिसाब से आप डाल लें। तो पारे में आपको सेंधा नमक डालना है, सेंधा नमक डालो, रगड़ते रहो, जब वो काला हो जाए तो उसके बाद उसे पानी डालो, धो लो, पारा नीचे रह जाएगा, नमक वाला पानी निकाल दें। इसी तरीके से दोस्तों आपको लगातार उसे तब तक खरल करना है जब तक उसमें से कालापन निकलना बंद ना हो जाए। कालापन निकलना बंद हो गया, आपका पारा शुद्ध हो गया, उसे आप एक साइड में रख लें, अलग रख लें, कली और तांबा से अलग रख लें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको लेनी है शुद्ध संखियां। दोस्तों संखियां बच्चों का खेल नहीं है, संखियां में मेरे वही वैद्य भाई हाथ डालें जो संखियां और पारा की अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं, संखियां पारे के नुस्खे बनाते हैं, वही इस चीज में हाथ डालें। संखियां को आपको दूध के साथ दुला यंत्र करके शुद्ध कर लेना, उसके बाद उसकी रगड़ाई करनी है सूखी, उसमें नींबू का रस नहीं डालना, सूखी रगड़ाई करनी है। तो अब दोस्तों 10 ग्राम आपका हो गया तांबा, 10 ग्राम हो गई आपकी कली, और 10 ग्राम आपकी हो गई संखियां सफ़ेद। ये तीनों चीज़ें आपकी हो गई, इन्हें आप एक खरल में डाल लें और इससे आप दुगना पारा डालें, दुगना मतलब ये 30 ग्राम है आपकी चीज़ें, 60 ग्राम आप इसमें पारा डालें। पारा डालने के बाद दोस्तों इसे खरल करते रहें, लगातार खरल करते रहें। ये दोस्तों आपको 40 घंटे खरल करना है, ठीक है दोस्तों। 40 घंटे आपकी खरल हो गई सूखी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है आक का या थूहर का, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ का आपको दूध लेना है। वो दूध आप डालें, खरल करें, दूध डालें, खरल करें। दोस्तों एक घंटा खरल करने के बाद आपको उसकी बना लेनी है टिक्की। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, थोड़ा वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपको तांबा और कली, पहले आपको ये दोनों चीज़ें डालनी है खरल में और पारा डाल देना है। वो खरल करने के बाद फिर आपको ऊपर से संखियाँ डालनी है। तो इस तरीके से आपकी खरल बहुत अच्छी होगी। तो 40 घंटे आपकी खरल हो गई, उसके बाद एक घंटा आपको आंख के या थुअर के दूध में खरल करना है। ये आपकी खरल हो गई पूरी और आपकी बन गई टिक्की। उस टिक्की को दोस्तों आपको क्या करना है, मान लो ये है टिक्की, ये ढक्कन टिक्की है, ठीक है। आपको थुअर का डंडा लेना है, थुअर का डंडा,
उसे कूट के उसका लुगदा बना के आधा लुगदा नीचे टिक्की आधा लुगदा ऊपर, इसी तरीके से एक मजबूत आप हांडी में डालें और उसे ऊपर से मजबूती से अच्छे से कपड़ मिट्टी करें, गिलक मत करें, अच्छे से उस पर मिट्टी लपेट दें या उसके ऊपर आप पट्टी लपेट दें जो डॉक्टर रामखास मरीजों को बांधते हैं पट्टी, वो पट्टी आप लपेट दें और गिलक मत आपकी फटेगी नहीं। उसे आप अच्छी तरह सुखा लें, दो दिन लगें, तीन दिन लगें या एक दिन में सूख जाए वो तो मौसम के ऊपर निर्भर करता है। वो सूखने के बाद आपको 16 किलो उपलों की आग देनी है, 8 किलो उपले नीचे, 8 किलो ऊपर और बीच में आपकी हांडी। उसके बाद आप उसके ऊपर कोई पन्नी या कागज डाल के आग जला दें तो आग आपकी जल जाएगी और खड्डा जो खड्डा होगा तो वो खड्डा उतना ही हो कि उसमें 16 किलो उपले पूरे आ जाएं। तो उसे हल्की आग जला देनी है, हल्की आग होगी, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, हल्की आग ही रहेगी तो हवा हुआ ज़्यादा ना लगे। तो वो जब सारे उपले जल जाएंगे उसके बाद आग ठंडी हो जाएगी तो आप उस हांडी को निकाल लें, उसे आप खोलें, वो टिक्की आपकी निकलेगी। उसके बाद आपको फिर आँख के दूध में या थुअर के दूध में, अगर आप थुअर के दूध में करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो थुअर के दूध में बनाएं, आँख के दूध में बनाना चाहें आँख के दूध में बनाएं, मगर लुगदा आपको थुअर डंडे का ही देना है, थुअर के डंडे का। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको 21 आगें देनी हैं, 16-16 किलो की 21 आग। तो दोस्तों 21 आग के बाद ये आपका कुश्ता नामर्दी का अचूक कुश्ता बन गया, ये नामर्दी का अचूक कुश्ता बन गया है। इस कुश्ते का नाम हमारे बुजुर्ग सर्वदाता बताते हैं, इसे कुश्ता सर्वदाता या भस्म सर्वदाता कहते हैं। तो ये हमारे बुजुर्गों का पर्सनल फार्मूला था, पर्सनल नाम उन्होंने दे रखा था। तो आज आप भाइयों के साथ, आप वैद्य भाइयों के साथ, आप बुजुर्गों के साथ मैंने ये फार्मूला शेयर किया है। आप इस फार्मूले को बनाएं, इसका इस्तेमाल अपने मरीजों को करवाएं और नाम कमाएं, इज्जत कमाएं। और दोस्तों ये अचूक हथियार है, ये तो दोस्तों एक परमाणु बम है। जिस तरीके से परमाणु बम कहीं फेंक दिया, ब्लास्ट कर दिया, वहाँ सब कुछ साफ, उसी तरीके से दोस्तों ये जिस मरीज को ये फार्मूला खिला दिया गया उसकी सारी दिक्कत साफ, ना मर्दी की दिक्कत हो, टाइमिंग की दिक्कत हो, शारीरिक कमजोरी हो, दिमागी कमजोरी हो, दिल की कमजोरी हो, ए टू जेड दोस्तों कोई भी कमजोरी हो, किसी तरीके की कमजोरी हो, ये हर तरीके से फायदा करेगा। दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो कैंसर और एड्स के मरीज हैं उन्हें भी आप ये फार्मूला दें, उनके शरीर को ये ताकत देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और काफ़ी हद तक कैंसर और एड्स को ये कंट्रोल करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए नुस्खे के साथ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।